नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर, वक्त हो चला है हलचल इंडिया पर आज की बड़ी खबर का। भारतीय किसान यूनियन ने हरियाणा में किसानों पर लाठी चार्ज और गिरफ्तारी के संबंध में शिव चौक पर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया और हरियाणा की खट्टर सरकार पर टोल प्लाजा व अन्य स्थानों पर शांतिपूर्वक धरना दे रहे किसानों पर लाठी चार्ज कर किसानों की गिरफ्तारी का विरोध किया, जिसकी भारतीय किसान यूनियन द्वारा निंदा की गई। उन्होंने मांग की है कि सभी किसानों को रिहा किया जाए और वह लाठी चार्ज करने वाले लोगों पर मुकदमा दर्ज किया जाए। जिला अध्यक्ष धीरज लाठियान ने कहा कि हरियाणा सरकार ने किसानों को रिहा नहीं किया तो शहर के सभी टोल प्लाजा परसों बंद कर दिए जाएंगे और धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। देखिए, जो हमारा किसान संघर्ष पिछले लगभग 6 माह पूर्ण होने वाले हैं, जो लंबे समय से शांतिपूर्वक संघर्ष चल रहा, उसमें प्रशासन उसको तोड़ने का प्रयास कर रहा है। पहले तो किसानों को खालिस्तान के नाम पे, फिर जाट के नाम पे, फिर पंजाब के नाम पे तमाम प्रयास किए गए, लेकिन ये आंदोलन को डिगा नहीं पाए। जिस तरह से इन्हें बंगाल में चुनाव में करारी हार मिली है और पंचायत चुनाव में उत्तर प्रदेश के इनका सोपड़ा साफ हुआ है, अब ये चाहते हैं कि इसको आंदोलन को लाठी रोली के दम पर हटा जाए। आज हमारे जो कार्यकर्ता थे, पिछले 4 माह से मैयर टोल और खटखट टोल प्लाजा पर हिसार में बैठे थे, आज उनके ऊपर ज़बरदस्त लाठी चार्ज किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया। तो हम मिस्टर मोदी जी को और हम हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर को बता देना चाहते हैं कि अगर किसान को आप जो है इस तरह से हटाना चाहते हो तो आप में ताकत और कुव्वत नहीं है। कल से जो है उत्तर प्रदेश में भी, पूरे प्रदेश में धरने प्रदर्शन, टोल प्लाजा, थाने, तहसील, जिस स्तर पर भी होगा, इस आंदोलन को वृद्ध रूप दिया जाएगा। राकेश टिकैत जी का निर्देश हो चुका है और वो जो है हरियाणा के लिए रवाना हो गए। अगर हमारे किसानों को कल तक गिरफ्तार नहीं किया जाता तो उत्तर प्रदेश में भी बड़ा आंदोलन होगा। अब बहुत आफत है सरकार, ये तो बड़ी आफतदारी सरकार है। तो मामला हम चाह रहे कि कुछ मामला गड़बड़ ना हो, बीमारी चल रही, सहयोग मान लो एक प्रशासन का, शासन का। अभी आंदोलन वापस लिया था हमने कल का मुख्यमंत्री के विरोध का। कुछ देर पहले हरियाणा में लाठी चार्ज कर दिया किसानों पर जो आंदोलित हैं वहाँ टोल पर। हमने घोषणा कर दी आज, ठीक है साहब ने घोषणा करी, राकेश जी ने, उन्हें छोड़ जा, मुकदमे लगा दिए उन पर, उन्हें रिहा कर जा, मुकदमे हटाए जा। अगर ऐसा नहीं होता तो परसों को सारे टोल यहाँ भी फ्री करे जाएंगे, टोलों पर सब पर जाम लगा जाएगा। मुख्यमंत्री आने वाले, अगर आपका ये बात आपको समाधान नहीं होता तो हाँ हाँ हम पलट जाएंगे अपनी बात, तो जो तय हुई आज हम पलट जाएंगे। पलटी मार तो मैं देर नहीं लगती, जब सरकार पलट सके वादों से तो हम नहीं पलट सकते। शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलित किसानों पर लाठी चार्ज होगा तो हम कौन सा वादा निभाओगे भाई, हम तुरंत पलटेंगे। आज ही घोषणा होगी, कल को मुख्यमंत्री का फिर विरोध का वाला होगा। अभी तो वापस है मामला, मुख्यमंत्री घेराव करेंगे। अभी बातचीत होगी, अगर मान ले समाधान नहीं होता बात का तो पलटी बात है, कोई दिक्कत नहीं है।